गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज तो है कुछ खाने का मन कर रहा है। हाँ सर, मैंने भी कल बाजार में मक्के के भुट्टे खाए थे। अच्छा, लेकिन मेरा मन तो तरबूज खाने का कर रहा है। अरे सर, तरबूज खरबूज तो गर्मियों में मिलते हैं। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि भाई ये तरबूज तो जायद की फसल है। सर, ये जायद की फसल क्या होती है? आपको जायद की फसल पता नहीं? चलो आज हम जानते हैं फसलों के बारे में। हमारे यहाँ सबसे पहले फसल होती है खरीफ की फसल। इन फसलों को जुलाई अगस्त में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, अर्थात वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोकर जाड़े की ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण मक्का, मूंग, मूंगफली, उड़द, ज्वार और धान। इसी प्रकार दूसरे प्रकार की फसलें होती हैं रबी की फसलें। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, अर्थात जाड़े के प्रारंभ में बोकर ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी आदि। ठीक इसी प्रकार तीसरे प्रकार की फसलें होती हैं जायद की फसलें। जायद की फसल मार्च अप्रैल के में बोकर जून जुलाई में काट ली जाती है, अर्थात गर्मियों के प्रारंभ में बोकर बरसात के प्रारंभ में काट ली जाती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि। पर सर, मुझे तो ककड़ी व सब्जियां सर्दी के मौसम में भी मिलती हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है बेटा। अब हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए उन्नत बीज विकसित कर अनेक प्रकार की फसलों के प्रकार एवं कई नई तकनीकें विकसित कर ली हैं, जिससे ऐसी कई फसलें हैं जो हमें हर मौसम में प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।